प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर रुड़की से आपको बता देगी, वसीम रिजवी की किताब को लेकर विवाद लगातार जारी है। तो वही रुड़की में जमीयत उलेमाए हिंद ने इसे लेकर रोष जताया है और उलेमाओं ने वसीम रिजवी के खिलाफ रुड़की के थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने इस्लाम को लेकर जिस किताब का विमोचन किया है उसे लेकर विवाद लगातार जारी है। तो वहीं अब रुड़की में जमीयत उलेमाए हिंद ने इसे लेकर रोष जताया है और उलेमाओं ने रुड़की के थाने में वसीम रिजवी के खिलाफ शिकायत दी है। आरोप लगाया है कि वसीम रिजवी देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और ये भी आरोप लगाया है कि वसीम रिजवी इस्लाम विरोधी काम करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो रुड़की से आ रही है, एक बार फिर से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के किताब का लगातार विवाद जारी है। बता दें कि इस्लाम को लेकर जो उन्होंने किताब का विमोचन किया है उसे लेकर विरोध और विवाद लगातार जारी है। तो वहीं अब रुड़की में जमीयत उलेमाए हिंद ने इसे लेकर रोष जताया है और रुड़की के एक थाने में वसीम रिजवी के खिलाफ उलेमाओं ने शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप लगाया है कि वसीम रिजवी देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और उन पर इस्लाम विरोधी काम करने का भी आरोप लगाया गया है। इस वक्त के लिए बड़ी खबर रुड़की से आपको बता दें कि वसीम रिजवी की किताब को लेकर विवाद लगातार जारी है। तो वही रुड़की में जमीयत उलेमाए हिंद ने इसे लेकर रोष जताया है और उलेमाओं ने वसीम रिजवी के खिलाफ रुड़की के थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने इस्लाम को लेकर जिस किताब का विमोचन किया है उसे लेकर विवाद लगातार जारी है। तो वहीं अब रुड़की में जमीयत उलेमाए हिंद ने इसे लेकर रोष जताया है और उलेमाओं ने रुड़की के थाने में वसीम रिजवी के खिलाफ शिकायत दी है। आरोप लगाया है कि वसीम रिजवी देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और ये भी आरोप लगाया है कि वसीम रिजवी इस्लाम विरोधी काम करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो रुड़की से आ रही है, एक बार फिर से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के किताब का लगातार विवाद जारी है। बता दें कि इस्लाम को लेकर जो उन्होंने किताब का विमोचन किया है उसे लेकर विरोध और विवाद लगातार जारी है। तो वहीं अब रुड़की में जमीयत उलेमाए हिंद ने इसे लेकर रोष जताया है और रुड़की के थाने में वसीम रिजवी के खिलाफ उलेमाओं ने शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप लगाया है कि वसीम रिजवी देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और उन पर इस्लाम विरोधी काम करने का भी आरोप लगाया गया है। जो वसीम रिजवी है, पूर्व चेयरमैन है ये उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के, इन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की है और यहाँ पे हरिद्वार आए थे, उन्होंने प्रेस वार्ता में बहुत ही ज़्यादा जो अपशब्द है वो इस्तेमाल किए हैं, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में काफ़ी रोष है और आज उनके खिलाफ एक तहरीर यहाँ पर एस पी दिया साहब को दी है कठोर कार्रवाई करने के लिए। अभी जमायत उलमा हिंद और पुरजोर इसका विरोध कर रही है और यहाँ पर जो है उलेमाए दीन और मौलाना साहब सभी जो हमारे पदाधिकारी है वो इकट्ठे हुए थे और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो आगे का जो रणनीति है वो बनाई जाएगी और मौलाना जो हमारे सदर है महमूद मदनी साहब उनकी रहनुमाई में पूरे देश में अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं तो बड़े जो जल्लूस हैं जो इस तरीके के कार्रवाई है वो की जाएगी। देखिए हम ये चाहते हैं कि रुड़की में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अपराध किया है और संबंधित धाराओं में यहाँ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और हम कोर्ट में भी प्रोग्रेस रिपोर्ट डालेंगे, उस पर प्रोग्रेस रिपोर्ट डे बाय डे ये मंगाएंगे कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, किस स्टेज पे वो मुकदमा है, इसको अन्यथा नहीं लिया जाएगा। इसको बड़े ही गंभीर विषय है ये और इसको बड़ी ही गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा है। लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी कि उनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसकी प्रोग्रेस क्या है। जो काफी लंबे समय से इस तरह की हरकतें कर रहा है जिससे मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचती है। आगे ये जो लड़ाई है, इससे पहले उन्होंने ये आज यहाँ पर ज्ञापन देने हजरत आयशा सिद्दीका जो मोमिनीन कहलाती है उनकी शान में गुस्ताखी की, फिर कुरान करीम के खिलाफ बकवास की कि फुलकुन आयत को निकाल दिया जाए, अभी एक किताब का विमोचन किया। तो अगर इस तरह की जो बातें हैं ये जो मुसलमानों को जज्बात को ठेस पहुंचा रही है, जाहिर बात है कि मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी है
और हम ये तो उसी बेचैनी का इजहार करने के लिए जो है, अब बेचैनी का इजहार हम कैसे करें, अपनी ईमानी हमीयत दीनी वैरत का सबूत हम कैसे दें। तो अगर के अवाम में बहुत ज्यादा गुस्सा था, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने कहा भाई हमारे नबी की जो तालीम है ऐसे मौकों के ऊपर उसी के मुताबिक हम लोग अमल करेंगे। अलग नबी ने फरमाया कि अगर किसी बुराई को देखो तो उसको ताकत से हाथ से रोको, उसकी ताकत नहीं है तो उस बुराई के खिलाफ जबान से सदा एहतजाज बुलंद करो या फिर उसको दिल से बुरा जानो। अब इस जमहूरी मुल्क में हम जाहिर बात है दूसरी पोजीशन में है, इसके खिलाफ हम अपने जिम्मेदारों तक जो है बात पहुँचा सकते थे तहरीर के जरिए से, तो उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए थे। और जाहिर बात है कि इसके लिए अगर जो बहुत गुस्सा था, लेकिन चूंकि हमें सब्र करने का हुक्म दिया गया है, ये अदालत भाई हैं और बाकी शहर के काफी जिम्मेदार लोग थे जो मदरसे पहुंचे। यहाँ से क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? हम ये चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि जो वो कुछ कर रहे हैं कानून के भी खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है, जो हमारी इस मुल्क की तहजीब है संस्कृति है। देखें यहाँ साधु संतों सूफियों ऋषि मुनियों ने हमेशा